अंदर का हो अगर जवन कहो तो नाम तुके दे देवा छे बस तो सही से बतावा। राम जी हम सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी मस्त है। जस्ट अभी को नहा धो के पूरा काम खत्म करके उठे हैं। घर का काम ना अभी खत्म नहीं होता, खत्म हो गया है। फिर अगर कुछ भी पूछेंगे मम्मी कुछ काम है तो बोलेंगे हाँ काम है। सुबह सुबह क्या 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे आए थे कपड़े डालने के लिए। जस्ट अभी को नहा के उठे हैं हम। सुधरा उधरा पूरा धुला गया अच्छे से एकदम। मेरा साड़ी, मेरा कपड़ा और वहाँ कि ये करेला बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। सोच लो आप सब, छोटा सा पेड़ है, इतना बड़ा करेला हो गया। और एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। मेरे प्यारे प्यारे फूल जो हम तोड़ते नहीं कभी, बस खिलता है अपने आप हो जाता है। यहाँ तुलसी के पेड़ लगा हुआ है, सूख भी चुका है क्योंकि धूप ज़्यादा है आज। जी कुछ खाते हैं, इतना घर है खाना, दाल रोटी करेले की सब्जी और प्याज। टाइम हो रहा है 11। हाँ सभी खाना खा लीजिए मस्त मस्त। और मम्मी हंस रही है बताने क्यों, इतना हो गया। मम्मी आ गई, हो रहा है 2:10। अभी स्कूल से क्या हाल सुनिए? ठीक ठाक? क्या लिख रही हो? क्या ना सुन रही, पता नहीं क्या क्या लिखी है। धातु आंटी थी ट्रिक, मतलब याद करोगे ट्रिक। हाँ हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ये कौन सा ट्रिक है? मतलब गैस है ना तो 11 वाला मतलब तो ओकर 10 साल लिखने के लिए एक ही ना याद करोगे बस, मतलब 10 याद करके तय करो। मतलब हीलियम से है, सोडियम से नानी, हाइड्रोजन से आराम और कार्बन से कर और बोरेलियम से जिंदा और रेटिना की पूछा उससे रहेगी। मतलब ये नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बाप रे बाप, भाई साहब ये नानी का आराम कर जिंदा रहेगी। वाह मम्मी कितना खतरनाक ट्रिक है ना, जिंदा रहेगी। और मुझे अभी पता चला है कोई मतलब कोई 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 डिलीवरी वाले भैया आए हैं क्योंकि मेरा गांव है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गली कुचिम पड़ता है तो मतलब हमारे घर पे नहीं आ पा रहे हैं। तो जहाँ पे रुके हैं वहाँ से मतलब पता चला है कि भैया आए हैं डिलीवरी वाले, शायद कुछ पार्सल आया है तो सन्नी को भेजते हैं और वो पार्सल मंगाते हैं सन्नी को। हे यहाँ गुड्डू पान वाले के यहाँ जाए क्या, मतलब जल्दी जाओ चलेंगे हम, वेट करते हैं हम। हाँ हो गई। मम्मी भी आ गई, भाई साहब साड़ी ओढ़ के लिखा लो स्वाद, लिखा लो इसको जल्दी। मेरे गिफ्ट आ लो, दिखा खोली पता नहीं कहाँ हो सकला था। लड्डू चलो आ जा, भाई साहब लड्डू में स्पीड में आया। लड्डू कहाँ रहला, गिफ्ट आला सर, आओ खोली तुरंत, देखते क्या है। लड्डू कहाँ हुई, हम पता तो बताते वो जोन का बताओ तवन सुनगा तो मगा था कुछ का पता नहीं क्या है इसमें। इस पे लिखा था मेरा नाम, पूरा एड्रेस सब कुछ लिखा था। दू दी और ये देखिए इधर से भी पैक, सिल पैक है, इधर से भी पैक है। मतलब भाई साहब मम्मी लेके आई हथौड़ी। मम्मी चुवत का है, हाँ पानी कहाँ निकला ले मुझसे सगा पैकेट में सब टच कर रहे हैं, ओरिजिनल है। वारी मम्मी लड्डू मम्मी बहुत दिया कर पानी निकल रहा है इसके अंदर से। लड्डू पानी कैसे निकल, बेकार पानी निकल रहा है जिसको पीना है बताओ। नारियल का पानी, बस बस भाई साहब अरे अच्छा वाला पानी है, गरी वाला पानी है, बोले पी रसगुल्ला पी पी भी नहीं हमें पिया है, हमें पी पिया एक गिला
भाई सा, अरे ये कैसे मशरूम भाई, ये वाइट नहीं है, सड़ गया कब ले लो, अगर ना कितनी चोर कुछ खाए बदे दिया दिया तो खा के चल बच्चों के चक्कर में उनका हो गया पोपट पोपट आज उनका हो गया कारनामा, मस्त वाला प्रैंक हो गया, पानी पी ली हमें समझ में नहीं आ रहा सुमा सुनने गए सही हो सफा सही है, लेकिन स्मेल कहाँ कर रहा था इतना जर रह जाए कैसे टेस्ट करा बताइए मैं ठीक है कॉली वो टेस्ट करूँ केक का मैं देखूँ क्या है खाए हम जी मोमोज मत लगा मोमोज कैसी था वो बता दीजिए तू धुल रही है कहाँ था सरकत है ये दिलवा दे टॉफी वॉफी क्योंकि इतने टाइम से देख रहे थे कुछ मिला नहीं टॉफी दिलवाते बच्चों को चल 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 थैंक यू सो मच कि आप छोटी छोटी बातों को मेरी नोटिस करते हो मतलब भेज देते हो मतलब पता नहीं कैसे यहाँ तो मांगने पे भी नहीं मिलता लेकिन यहाँ तो बिना मांगे ही उनको मिल जाता है सब कुछ मिलता है रसमलाई नहीं मिला तो रसमलाई भी आ गया और मशरूम भी आ गया थैंक यू कोकोनट पी लेना थोड़ा सा पता करते हैं मतलब वो स्मेल कर रहा है मतलब तो किसी से पूछते हैं फिर देखते हैं मतलब क्या करते हैं मतलब एक मिनट कम हो गया देखने में सही लग रहा है अंदर से भी सही है हो सकता है कि वो केमिकल वाला पानी हो ताकि ये ख़राब ना हो ऐसा भी हो सकता है बनाएंगे इसे बनाएंगे मशरूम शायद ये ओरिजिनल वाला मशरूम है मैंने इसको उबाल के हल्का सा फ्राई किया है और इसको बनाते हैं फटाफट देखिए ग्रेवी मस्त रेडी हो गया डालते हैं मशरूम भी रेडी हो चुकी है मस्त एकदम हमने ये निकाल दिया लड्डू मम्मी और लल्लू के लिए और ये जो लड़की थी सालू उनके लिए सिंगल पहले जो मतलब जिस चीज़ का पानी पिए थे वो कैसा लगता है खाने में घर टेस्ट करा के आते हैं उनको भी अंधेरा है भगवान नहीं बुलाओ तुम भी जा खा के बताया कैसे ना ठीक है सवेरे जोने के पानी पी ले लिया भाई सब्जी खा के बताया कैसे ना ठीक है कटोरी पहुँचा दे सवेरे आ गए घर भगवान हमने भी खाना निकाल दिया देखिए सब्जी मस्त वाली रोटी प्याज आज जो मौसम कैसे ना बा बढ़िया वो दिन से अच्छा बढ़िया है और दिन से अच्छा है मतलब ये तो किचिर किचिर कर रहा है रोटी भी खा ला हले मशरूम हम सब भी खाना खा लो फटाफट मसाला तीखा बन गया था और ऊपर से हैवी मसाला हालात खराब हो गया खाते खाते खाना हमारा कहाँ सी ज़्यादा सही से था तमें तीखा खाना होता रोल आलू अच्छा रोल ना आज का मशरूम का सब्जी अच्छा था आज मतलब कि हम जाते हैं कहीं अगर हमें नहीं मिलता है तो वो मुझे आलन मिल जाता है बताओ अब तो इतना प्यार होता है एक समान ना मिलने पे तुरंत घर पे आ जाता है एंड थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच जो आप सब इतना प्यार हमें करते हैं मैं नहीं हाँ नहीं तो कहीं मांगने पर नहीं मिलता लेकिन हमें नहीं मिलता तुरंत ऑनलाइन होकर आ जाता है तो जिन्होंने दिया है ना उनको थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू लास्ट का ब्लॉग करते हैं खत्म वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप सभी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ चलते रहिए राम 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 राम